कश्मीर, पूरा कश्मीर पाकिस्तान का कश्मीर। एक समय था जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल ने पूरा कश्मीर मांगा था, पर अब लगता है कि समय बदल गया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं, शांति होनी चाहिए। उन्होंने सीरिया युद्ध पर बना एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों देखें कि युद्ध कैसा होता है। बिलावल ने ये भी कहा है कि कश्मीर समस्या का हल सेना से नहीं निकाला जा सकता। गौरतलब है कि उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने LOC पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव का माहौल है। सरहद पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। LOC पर रुक रुक कर फायरिंग भी जारी है। ऐसे तनाव भरे मौके पर PPP लीडर बिलावल का ये ट्वीट काफी अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल सोमवार को पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ की ऑल पार्टी मीटिंग में भी उपस्थित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल ने शरीफ की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल सेना से नहीं हो सकता। बिलावल ने शरीफ की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने दुश्मनी का माहौल बना दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल ने कहा कि उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय कब्जे से न केवल अपनी जमीन वापस ली थी बल्कि 1971 के युद्ध बंदियों को छुड़ाने में भी सफलता हासिल की थी। उनके मुताबिक ये सब कुछ मुखर कूटनीति और आक्रामक विदेश नीति की वजह से संभव हुआ था। हालांकि बिलावल के ये दोनों ट्वीट काफी समझदारी भरे हैं, लेकिन 2014 में उन्होंने ऐसी समझदारी नहीं दिखाई थी। तब बिलावल ने कश्मीर पर काफी आक्रामक रुख दिखाया था। बिलावल ने कहा था कि वो पूरा का पूरा कश्मीर हासिल करेंगे क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है।